बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ अली कामरान काज़मी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस पर अब तक किसने भी कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हमेशा की तरह मेरे चैनल के ऊपर सबसे पहले ये जो है वो वीडियो अपलोड हो रही है। दोस्तों, पूरे मुल्क के अंदर और बिलखसूस सूबे सिंध और पंजाब में जो है वो येलो कैब जो है, जिसे हम पीली टैक्सी कहते हैं, ये सर्विस जो है स्कीम लॉन्च की जा रही है पूरे मुल्क के अंदर। और तकरीबन हर सूबे के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 लाख अफराद को जो है वो पीली टैक्सी जो हैं रोज़गार स्कीम के तहत प्रोवाइड की जाएंगी। इसकी क्या डिटेल हैं, अभी तक क्या डिटेल सामने आ रही हैं और कब दी जाएंगी, इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो मैं अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले वो तमाम दोस्त जो कि मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ख़ासतौर पर स्पेशली वो दोस्त जो कि इस तरह की स्कीम से फ़ायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले 2011 में भी ये स्कीम आई थी और बहुत सारे लोगों को येलो कैब मिली थी। उससे पहले 2005-2006 के अंदर भी ये स्कीम आई थी, तो लोगों को बेनतहा जो है वो येलो कैब्स मिल चुकी हैं ऑलरेडी। अब जो है सिंध भर के अंदर और पंजाब में, केपी के और बलूचिस्तान के अंदर भी है। जो क्राइटेरिया मैं बताने वाला हूँ वो ओवरहाल चारों सूबों बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी क्राइटेरिया वही रहेगा। आबादी के लिहाज से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ सूबों के अंदर कम और कुछ सूबे में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्राइटेरिया तकरीबन ओवरहाल पूरे मुल्क के अंदर सेम रहेगा। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको कि इस बजट के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो बेरोज़गार लोगों को रोज़गार की फराहमी के तौर पे जो है वो रखा जाएगा। तकरीबन 1000 अरब रुपये का बजट जो है वो बेरोज़गार स्कीम के तहत रखा जा रहा है, जिसके अंदर सास कफालत के 400 अरब रुपये होंगे और बाकी 600 अरब रुपये इस तरह के लोन के जो है वो स्कीमों को दिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि येलो स्कीम के अंदर जो है आपको अप्लाई कैसे करना होगा। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, आपको ये देखना है कि आपकी एज 18 साल से लेकर 40 साल के दरमियान होनी चाहिए, आपका CNIC बना हुआ होना चाहिए, आपने अगर कभी बैंक से लोन लिया हो तो आप बैंक के डिफॉल्टर ना हो, ना दहिंदा ना हो। अगर डिफॉल्टर होंगे तो आपको स्कीम नहीं मिलेगी। आपके के जो घर का सरबरा है उसको सरकारी मुलाजिम या निजी सरकारी मुलाजिम जो नीम सरकारी मुलाजमीन होते हैं वो नहीं होगा, ना आपका जो सरबरा है वो बैंक का मुलाजिम होना चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर ये कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना हुआ होना चाहिए, आपकी एज जो है वो 18 साल से लेकर 40 साल के दरमियान होनी चाहिए, आपकी कम से कम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो इंटर से लेके ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी हो सकती है। उसके अलावा इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बैंक खुद बेयर करेगा, यानी कि गवर्नमेंट बैंक को आपके जो भी गाड़ी होगी सुजुकी या बोलान, अगर तो ये इसमें से आप येलो टैक्सी जो है लेना चाह रहे हैं या बोलान की जो है वो इसमें रखा जाएगा कि हाईरूफ के तौर पे अगर कोई चलाना चाहे तो अगर तो आप जो आपकी जो लाइसेंस है वो बना हुआ हो, कम से कम उसको जो है 6 महीने हो चुके हों, आपके पास जो है वो हैवी गाड़ी का जो लाइसेंस होता है वो होना चाहिए। उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन भी मैंने बता दी। आपको जो पेमेंट, कम से कम पेमेंट जो आपको करनी पड़ेगी उसकी जो किस्त रखी गई है वो रखी गई है 10,000 रुपये के करीब करीब। इसकी तमाम तफसीलात बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। आप सबके शायद नॉलेज में हो कि आज से 5 दिन पहले शर्जील मेमन ने, जो कि सिंध के वज़ीर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम जो है वो सिंध के अंदर जो है वो येलो टैक्सी स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारों को जो है वो रोज़गार मिलेगा और नौजवानों को हम रोज़गार प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अलावा पंजाब के अंदर से भी अनाउंसमेंट सामने आ गए और वज़ीर आज़म ने भी ये हिदायत कर दी है पंजाब के अंदर भी कि आप इस स्कीम को पूरे मुल्क के अंदर लॉन्च करें, ताकि तकरीबन 1 मिलियन तक के लोगों का हदफ रखा गया है कि तकरीबन 10 लाख लोगों तक को जो है वो रोज़गार प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर एक बंदे को रोज़गार प्रोवाइड होगा तो कम से कम उसका जो पूरा घराना है उसको एक किस्म का आपने रोज़गार दे दिया। जो एक घराने के अंदर अगर हम 5 लोग भी लगाएं तो इसका मतलब ये होगा कि 40 से 50 लाख लोग जो है वो बाइज्जत तौर पर खाना शुरू हो जाएंगे। तो ये स्कीम जो है वो बहुत जल्द गवर्नमेंट लॉन्च कर देगी। आपको एक फॉर्म फिलअप करके बैंक में जमा करवाना हुआ करेगा और इस तरीके से आपके तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है वो आपको गाड़ी दे दी जाया करेगी। इसके अलावा जो डाउन पेमेंट है वो 20% आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। तो ये वो तमाम तफसीलात थी जो कि दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इस हवाले से कोई भी किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो वीडियो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि टाइमली आपको जवाब दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।